हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा है कि मैं कौन सा रुद्राक्ष पहनूं। भाई पहले तो ये बताइए कि आपकी चाहत क्या है और रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहते हैं। क्या आप आध्यात्मिक मार्ग में गति करना चाहते हैं, उसमें उत्तरोत्तर उन्नति चाहते हैं, या जीवन को धन्य से परिपूर्ण करना चाहते हैं, या आप ज्ञान के अधिकारी होना चाहते हैं, या आपको कोई बीमारी है उससे मुक्त होना चाहते हैं, कोई आपको भय है उससे आपको मुक्त करना चाहते हैं, क्या आपको जिंदगी में केवल असफलता मिलती है, अथक परिश्रम करने के बाद में जीवन की गति मिलती नहीं है, कहीं चलती हुई दिखाई नहीं पड़ती है, लगता है कि आप एक, आपने देखा ना जिम वगैरह में होता है जो साइकिल टाइप होता है, दौड़ते रहते हैं रनिंग ट्रैक, तो या उसमें दौड़ रहे कहीं पहुंच नहीं पा रहे, ऐसा आपको ऐसा लगता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि आप पहले तो चाहते क्या है, समस्या क्या है। समस्या कुछ नहीं है लेकिन चाहत है, हो सकता है कि चाहत है लेकिन चाहत पे तीव्रता नहीं है। ये तो ये भी हो सकता है कि चाह क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। किससे पूछा कि आप चाहते क्या है, बोलता पता नहीं मैं क्या चाहता हूं, थाड़ाई का इशू है, शनि का प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि दुख है, दुख एक के बाद एक आते रहते हैं, बुध का इशू है, 15 मुखी रुद्राक्ष, पहले बताया था ये कंफ्यूजन, चाहते क्या है मालूम नहीं है, 17 मुखी रुद्राक्ष, डर है, फियर है, एंजाइटी है, हो सकता है कि केतु का कोई प्रॉब्लम हो, 8 मुखी रुद्राक्ष। ये हो सकता है कि आत्मसम्मान की कमी हो, आत्मसम्मान की कमी के साथ साथ में आपको डर लगता हो, कुछ कुछ अनाप शनाप बक देते हैं, बोल देते हैं, पछताते हैं बाद में। अब पछतात हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते ना कि निकला हुआ तीर कमान से और बोले हुए वाक्य वापस नहीं आते, हो सकता है बृहस्पति का इशू, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बहुत परिश्रम करते हैं, हो सकता है कि सूर्य का प्रॉब्लम हो आपके, 12 मुखी रुद्राक्ष, खाना हजम नहीं हो रहा हो सकता है, 3 मुखी रुद्राक्ष, पीसीओएस हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉब्लम हो रहे हो, सेक्स के में अरुचि हो, समस्याएं, हो सकता है आपका शुक्र ठीक ना हो, विषादग्रस्त मन है, उदासीन मन है, कुछ करने का मन नहीं करता हो, अनियंत्रित मासिक श्राव, खून का ज्यादा बहना, कम बहना, गड़बड़ी पैदा हो जा रहा हो, चंद्रमा का इशू हो सकता है, जिंदगी भूल सकते हो, उतावलापन आपको हो सकता है कि ये कर दूं वो कर दूं घर से भाग जाऊं, हो सकता है आपका राहु का प्रॉब्लम हो, 9 मुखी रुद्राक्ष, शक्तिहीनता या शक्ति बहुत, एग्रेशन, गुस्सा आना बहुत सारा, हो सकता है कि मंगल का इशू। इसलिए ये आपका सवाल है कि मैं कौन सा रुद्राक्ष पहनूं, ये सवाल के को सॉल्व करने के लिए और रुद्राक्ष रिकमेंड करने के लिए ये जानना जरूरी है कि पहले आप चाहते क्या है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में जो कंसर्न्ड ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या वो डेबिलिटेशन में है, मृत है, क्या वो वक्री है, क्या वो गलत जगह बैठे हुए हैं, क्या वो गलत दो ग्रह साथ में बैठ गए हैं, क्या इशू है, क्या चल रही है दशा, क्या चल रही है महादशा, अंतरदशा आदि आदि, इन सबको देख के जब इसकी एक रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही मैं आपसे कह सकता हूं कि आप कौन सा रुद्राक्ष पहने। तो इसके लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एक पेड कंसल्टेशन के लिए। अगले सवाल में और एक सवाल जो सब्सक्राइबर के द्वारा भेजे हुए होंगे उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक लिए मुझे विदा दीजिए। विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट ऑर्डर स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक, बैंगलोर इंडिया से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।